तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दूसरे ऐसे हॉस्पिटल के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे मैंने 6 से 8 महीना काम किया है और उस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। अगर आपको लोकल कन्नड़ लैंग्वेज आता है, इतना आता है कि आप पेशेंट को समझ सको और पेशेंट आपको समझ सके, तो आप आराम से उस हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हिंदी भाषा वाले जो पेशेंट, हिंदी भाषी जो पेशेंट्स हैं वो बहुत कम आते हैं। वहाँ पे लोकल जो पेशेंट्स हैं वहाँ के, बैंगलोर कर्नाटका के, वो थोड़ा ज़्यादा आते हैं। इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो कन्नड़ लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए अगर आप बैंगलोर में हैं, और अच्छा लैंग्वेज है, आपको ज़रूर आना चाहिए। तो उस हॉस्पिटल का नाम है श्री साई हॉस्पिटल और ये है नागवारा में, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पे आपको 6 से 8 घंटे का ड्यूटी करना है, और 6 से 8 घंटे की ड्यूटी के लिए अगर आप फ्रेशर हो और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको आराम से 25,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि बैंगलोर आयुर्वेदा का हब है, वहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए आयुर्वेदा के रिसर्च और टेक्निक सीखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको पार्ट टाइम में 5 से 6 घंटा या फिर 8 घंटे का एक और हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए आयुर्वेदिक पार्ट के लिए, जिससे आपका आयुर्वेदा भी स्ट्रांग रहे प्लस एलोपैथी पार्ट भी स्ट्रांग रहे, जिससे आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में एक सिक्योर अमाउंट आपके पास रहे, एक सैलरी रहे आपके पास, जिससे आप कुछ रिसर्च कर सको आयुर्वेदा पार्ट के लिए भी और मॉडर्न साइंस में भी। तो उस हॉस्पिटल में आप जाइए और आराम से ज्वाइन कीजिए, श्री साई हॉस्पिटल जो नागवारा में है। वहाँ पे मैंने 6 से 8 घंटा ड्यूटी किया है, नाइट शिफ्ट किया था, डे शिफ्ट मैं किसी और हॉस्पिटल में करता था। नेक्स्ट वीडियो में उस हॉस्पिटल के बारे में भी बताएंगे। अभी जितने भी बैंगलोर के हॉस्पिटल हैं उनका सीरीज चलने वाला है, कौन से हॉस्पिटल में कितना सैलरी है, सभी हॉस्पिटल के बारे में बताने वाला हूँ। तो बस ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिए और सपोर्ट अपना करते रहिएगा। उस हॉस्पिटल का खासियत ये है कि वहाँ पे आपको MS गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप वहाँ पे सर्जरी भी सीख सकते हो और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं वो। सबसे अच्छा बात यह है आपके लिए वहाँ पे कि अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास इमरजेंसी का नॉलेज है, अगर आपने EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का कोर्स किया है, BHMS, BUMS, BNYS या फिर BAMS के बाद या फिर BDS के बाद, तो आप आराम से उस हॉस्पिटल में 50 से 60 हज़ार रुपये 6 से 8 घंटे की ड्यूटी का कमा सकते हो, और दूसरे हॉस्पिटल में भी आप ज्वाइन करके आराम से 40 से 45 हज़ार या फिर 50 हज़ार रुपये इनकम कर सकते हो। तो 1 लाख रुपये आप आराम से 1 महीने में कमा सकते हो। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही था कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाए, क्योंकि मैंने जहाँ पे वर्क किया है वहाँ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बार बार आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हो कि सर बताओ कि आप कौन से हॉस्पिटल में काम किए हो, क्या सैलरी था, बार बार सैलरी पे कमेंट आते रहता है। इसलिए अभी हॉस्पिटल और सैलरी का सीरीज चलेगा अभी लगातार। तो बस ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा का लिंक है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी को दिल से थैंक यू।